वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलुम जो टुडे डिस्कस अबाउट BHU बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उनके बीएस नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है 2020 में वो कब भरे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। और हाँ स्टूडेंट, इसके जो फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो ऑल इंडिया वालों के लिए है। अगर आप भी करना चाहते हैं अप्लाई तो ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और अप्लाई कब करना है आपको। सो स्टूडेंट, BHU BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2020 को भरे जाएंगे, ठीक है। बट एक बात याद रखना, ये डेट पोस्टडेट भी हो सकती है क्योंकि कोरोना डिजीज़ बहुत फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसके कारण ये डेट पोस्टेड हो सकती है। अगर डेट पोस्टेड होती है तो उसकी जानकारी इसी चैनल जेकलोन जॉब पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3rd week of May 2020 को। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे आपको, ये आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा या फिर अपने मोबाइल नंबर, आप जो वहाँ पर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कराओगे फॉर्म भरते टाइम पे उसी पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 3rd week of June 2020। आंसर की आ जाएगी 3rd week of June 2020, आंसर की 5-7 दिन बाद ही आ जाते हैं इसकी। लास्ट डेट ऑफ आंसर की वो है 4th week of June 2020। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर होगा 3rd week of July को। सो स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 2nd week of April 2020, बट ये डेट पोस्टेड हो सकती है जैसा कि मैंने आपको कारण बता दिया है। वो जानकारी आपको इसी चैनल जेकलोन जॉब पर मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट का जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अब बात करें कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है। इसे भारतीय नागरिक, कोई भी कैंडिडेट हो इंडिया का रहने वाला, वो अप्लाई कर सकता हो अगर उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में 50% मार्क है OBC जनरल कैटेगरी में। यदि वो STSC कैटेगरी से है तो उसके 40% में वो एलिजिबल है, ठीक है। इसको कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज 17 और 25 के मिडल है, ठीक है ना। तो ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, भारत का नागरिक हो, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास की हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको, जैसा कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये है एग्ज़ाम पैटर्न BHU BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 का। आपका एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन रहेगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स आपको दिया जाएगा टाइम, क्वेश्चंस का टाइम MCQ टाइप का रहेगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हो तो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आपसे पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 400 का पूरा टोटल पेपर होगा। सेक्शन कवर्ड होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, यानी कि PCB से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से एंड 25 जूलॉजी से, 25 बॉटनी से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्किंग 50% फॉर जनरल कैटेगरी और 40% OBC एंड STSC वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न है, हमने बात कर ली फॉर्म कब भरे जाएंगे, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल को। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना स्टूडेंट, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BS नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो वैसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा सो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए इसकी फुल डिटेल अगर आप जानना चाहते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। सो स्टूडेंट, अगर आप इंटरेस्टेड है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख सकते हो ताकि आपको जैसे कोई भी वेरिएशन आता है डेट में उसके लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए।